वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए बीए पार्ट थर्ड ईयर के एजुकेशन का जो थर्ड पेपर है उसके एमसीक्यू लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं वो 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर थर्ड के लिए। और इस पीडीएफ का अगर आप नोट्स चाहते हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो इसमें जो है पेपर थर्ड के जितने भी भौतिकल भी क्वेश्चन है वो सारे हम इसमें करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट यूनिट है हमारी इसमें निर्देश दिखा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों में चार विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है ना, आपको जो सही है उसमें से आपको चुनकर एक उत्तर इसका देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग बनाता है, ये कथन है। ठीक है ना, तो ये कथन किसका है? कैम्बेल का है, ड्यूबी का है, या आर मॉर्ट पाल का है, या बेलफोर ग्राहम का है। ये चार आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपको केवल एक फाइंड करना है, एक छांटना है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा, बेलफोर ग्राहम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि शैक्षिक प्रशासन की क्रियाओं में सम्मिलित किया गया है, शैक्षिक प्रशासन की क्रियाओं में सम्मिलित किया गया है नियोजन व संगठन को, या निर्देशन, समन्वय व नियंत्रण, रिपोर्टिंग व मूल्यांकन, उपर्युक्त सभी। तो सेकंड का आंसर दीजिए सभी लोग। तो इसका आंसर जो है वो सभी है। ठीक है, सेकंड का द मतलब नियोजन और व संगठन को भी किया गया है, निर्देशन, समन्वय व नियंत्रण के लिए भी, और रिपोर्टिंग व मूल्यांकन के लिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक प्रशासन के कौन से आधार हैं, शैक्षिक प्रशासन के कौन से आधार हैं? दार्शनिक आधार हैं, राजकीय आधार हैं, या शैक्षिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आधार हैं, तथा आ व दोनों हैं। ठीक है, तो इसमें तीसरे का जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन सात सही हो जाएगा, शैक्षिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आधार पर। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन का मुख्य सिद्धांत है, प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन का मुख्य सिद्धांत है एक व्यक्ति द्वारा शिक्षा प्रशासन संचालित करना, या सेकंड कह रहा है सहभागियों के आधार पर संचालन करना, या कुछ व्यक्तियों द्वारा शिक्षा का प्रशासन करना, या उपर्युक्त सभी। तो फोर्थ का जो आपका आंसर है वो आपका आंसर वा सही हो जाएगा। ठीक है, सहभागियों के आधार पर संचालन करना। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि शैक्षिक प्रशासन संबंधित है, सामाजिक अध्ययन से संबंधित है, धार्मिक अध्ययन से संबंधित है, विद्यालय प्रबंध व प्रशासन से, या केंद्रीय प्रशासन से। तो पांचवें का जो आंसर है आपका वो विद्यालय प्रबंधन व शासन से सही हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन जो है वो सा सही है। छठा क्वेश्चन है आपका कि प्रशासन समस्त मानव जीवन का एक समुचित अंग है, सॉरी समन्वित अंग है, और यह प्रत्येक संगठन पर नियंत्रण रखता है, यह कथन है। ठीक है, एच के जोड का है, एस एन मुखर्जी का है, नई शिक्षा नीति 1986, या डी जी आमटे का है। तो सिक्स का आंसर जो है आपका वो आपका आंसर बा सही हो जाएगा, एस एन मुखर्जी। सातवां क्वेश्चन है आपका, अच्छा प्रशासन है उपलब्धि की भावना, या प्रशिक्षित कर्मचारी, या प्रभावात्मक अनुशासन, अनुभव ज्ञान पर आधारित प्रशासन। अच्छा प्रशासन क्या है? तो अच्छा प्रशासन इसका ऑप्शन आपका दा सही हो जाएगा, अनुभव ज्ञान व आधारित प्रशासन। आठवां क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा प्रबंध का संबंध है, शिक्षा प्रबंध का संबंध इनमें से किससे है? नियोजन से है, निर्देशन से है, समन्वय से है, या इन सभी से है? तो आठवें का जो आपका आंसर है वो दस सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब नियोजन से भी है, समन्वय से भी है, और निर्देशन से भी है। ठीक है,
नवा क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक प्रशासन एक प्रक्रिया है, बाल केंद्रित प्रक्रिया है, प्रबंधक केंद्रित है, या शिक्षक केंद्रित है, या लोकतंत्रीय है। तो नमिका जो आपका आंसर है वो आंसर आपका आ और दस सही हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब बाल केंद्रित भी है और लोकतंत्रीय भी है, तो ये आपके दोनों सही हैं, आ और वा। दसवां क्वेश्चन है आपका, संगठन में व्यवस्था सिद्धांत के प्रणेता हैं, मतलब संगठन में जो व्यवस्था है उसके सिद्धांत के जो प्रणेता थे, मैक्स वेबर थे, या रॉबर्ट प्रेस्टस, ई एस मार्केट, या डी ग्रिफिक्स, ठीक है। तो दसवें का जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सात सही हो जाएगा, ई एस मार्केट। ग्यारहवां क्वेश्चन है आपका, प्रशासन की नीति के रूप लिया, प्रशासन की नीति के रूप लिया जिनसे प्रोसेस बान जुस्टी बुड्रो विल्सन, तो ग्यारहवें का आपका आंसर सात सही हो जाएगा, प्रोसेस। बारहवां क्वेश्चन है आपका, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो के लिए, लॉर्ड मिंटो को, गोपाल कृष्ण गोखले को, चार्ल्स ग्रांट को, या इनमें से कोई नहीं। तो बारहवें का जो आपका आंसर है वो चार्ल्स ग्रांट को आपका सही आंसर हो जाएगा, बा। तेरहवां क्वेश्चन है आपका, यह कथन है, जो घड़ी के लिए मुख्य स्प्रिंग है, या मशीन के लिए फ्लाई व्हील है, या जहाज के लिए इंजन है, वही स्कूल के लिए प्रधानाध्यापक है, गैंडवा शर्मा, रायवर्न, पीसी रैन, रास एल फिंजी, ठीक है। तो तेरहवें का आपका ऑप्शन जो है सीपी रैन आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी पीसी रैन, तो आपका ऑप्शन जो है वो सा सही है। चौदहवां क्वेश्चन है आपका, ये कथन है, प्रधानाध्यापक विद्यालय के विभिन्न अंगों को एकीकरण करके, सॉरी एकीकरण के सूत्र में बांध कर रखने वाला साधन है, जो संस्था भर में संतुलन बनाए रखता है, तो ये बीसी राय का कथन है, या रायवर्ण का कथन है, डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन है, या गैंड एंड शर्मा का कथन है। तो चौदहवां क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आपका है वो रायवर्ण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब आपका आंसर जो है बी या वा सही है। पंद्रहवां क्वेश्चन कह रहा है, प्रबंधन व शिक्षक शिक्षक के मध्य की कड़ी है, प्रबंधन और या बा शिक्षक के मध्य की कड़ी कौन सी है, इसमें कार्यालय प्रमुख, या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, या प्रधानाध्यापक, या अभिभावक। तो पंद्रहवें का आपका ऑप्शन जो है प्रधानाध्यापक आपका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन जो है आपका सा सही है। सोलहवां क्वेश्चन है हमारा, यह कथन है, प्रधानाध्यापक के मस्तिष्क में निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि यथासंभव पाठशाला उन आदर्शों की प्राप्ति कर रही है जिनको उसने तथा उसके अध्यापकों ने अपने सामने रखा है। ये रायवर्ण का कथन है, हुमायूं कबीर का है, गैंडवा शर्मा का है, या एडम्स का है। तो सोलहवें का आपका आंसर जो है वो रायवर्ण आपका करेक्ट हो जाएगा, आ आपका सही है। सत्रहवां क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानाध्यापक का व्यक्तित्व होना चाहिए सहिष्णु, संयमी व धैर्यवान, योजना में दक्ष, अध्ययनों के प्रति समान व्यवहार, सामाजिक कार्यों में दक्ष। तो सत्रहवें का आपका आंसर जो है आपका आंसर आ सही हो जाएगा, सहिष्णु, संयमी व धैर्यवान। अठारहवां क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानाध्यापक संपूर्ण समूह का नेता होता है, यह कथन है, ठीक है, राधा कृष्णन का कथन है, गैंडवा शर्मा का है, आर एल फिंजी का है, या पी सी रैंक का है। तो अठारहवां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका गैंडवा शर्मा करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका सा जो है वो सही है। उन्नीसवां क्वेश्चन आपका है, प्रधानाध्यापक का कार्य है विद्यालय का नेता, ठीक है, शिक्षण कार्य, अनुशासन की स्थापना, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 19वें क्वेश्चन का आपका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें आपका विद्यालय का नेता भी है, अनुशासन की स्थापना भी है, और शिक्षण कार्य भी है। 20वां क्वेश्चन आपका है कि
कि अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्माणक होता है, यह कथन है हुमायूं कबीर का है या महात्मा गांधी का, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का है या अलेक्जेंडर महान का है? तो 20वें क्वेश्चन का आपका आंसर जो है हुमायूं कबीर आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, और आंसर आपका जो है वो आ सही है। 21वां कह रहा है कि कथन दिया है अध्यापक मानव का कर्ता है, अध्यापक मानव का कर्ता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राय वर्न, जेबी ब्राउन या एडम्स। तो 21वें क्वेश्चन का आपका आंसर जो है वो एडम्स आपका सही हो जाएगा, मतलब द आपका ऑप्शन सही है। 22वां क्वेश्चन आपका है, यह कथन है, आई ओ माई वर्थ टू माई फादर बट लाइफ टू माई टीचर। ठीक है, तो इसमें हुमायूं कबीर का है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का है, ठीक है, या डॉक्टर राधा कृष्णन का है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन आपका 22 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर जो है वो अलेक्जेंडर आपका सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऑप्शन आपका बा जो है सही है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी विद्यालय का महत्व तो उसके शिक्षक पर निर्भर करता है, ये कथन है, एच सी वेल्स का है, हेनरी वैंग का है, हुमायूं कबीर का है या सेल्डन ई डेविस का है? तो 23वें का जो आपका आंसर है वो आपका आंसर सेल्डन ई डेविस जो है आपका वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दा वाला आपका आंसर करेक्ट है। 24वां क्वेश्चन आपका है, यह कथन है, यदि अध्यापक उच्च हो तो राष्ट्र भी उच्च होगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्र का निर्माता शिक्षक होता है, श्री पर्सिनन ने कहा ये या जे बी ब्राउन ने कहा, ई ए पीरिस पीरिस या एडम्स ने? तो 24वें का आपका आंसर जो है ई ए पीरिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी सही है। वाह। 25वां क्वेश्चन आपका है कि डॉक्टर एफ एल क्लैफ ने शिक्षक के कितने प्रकार बताए हैं, मतलब डॉक्टर एफ एल क्लैफ जो हैं उन्होंने शिक्षक के कितने प्रकार बताए हैं, कि 8 प्रकार हैं, 6 हैं, 10 हैं या 5 हैं? तो 25वें क्वेश्चन का आंसर आपका 10 करेक्ट हो जाएगा, मतलब सा ऑप्शन आपका सही है। 26वें क्वेश्चन आपका है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए अध्यापक को चाहिए छात्रों पर कठोर नियंत्रण रखना, छात्रों को अनुशासन का महत्व समझाना, रोचक ढंग से पढ़ाना, अनुशासन बनाए रखने में छात्रों का सहयोग। ठीक है ना, तो 26वें का जो आपका आंसर है वो आपका आंसर जो है वो सा आपका करेक्ट हो जाएगा, रोचक ढंग से पढ़ाना। 27वां आपका क्वेश्चन है, अध्यापक कक्षा में अधिनायक होता है, छात्रों का मित्र होता है, छात्रों का मार्गदर्शक होता है या अनुदेशक होता है? तो 27वें का आपका आंसर जो है वो सा आपका करेक्ट हो जाएगा, छात्रों का मार्गदर्शक होता है, कौन? अध्यापक। 28वां क्वेश्चन है आपका, एक कम पढ़ने वाले अकुशल शिक्षक को सुधारने के लिए प्रधानाध्यापक को चाहिए डांटना व फटकारना, सख्ती का अनुशासन, ठीक है, नौकरी से हटाना या प्रोत्साहित व सहानुभूति? तो 28वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका जो है प्रोत्साहित व सहानुभूति ही आपका करेक्ट आंसर है, तो द आपका सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रबंध समिति का मुख्य है प्रधानाध्यापक, हेड शिक्षक, मैनेजर या डायरेक्टर? तो 29वें क्वेश्चन का आंसर आपका मैनेजर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सा आपका आंसर जो है ऑप्शन जो सही है। 30वां क्वेश्चन आपका है कि विद्यालय प्रबंधन का कार्य है विद्यालय के संपूर्ण कार्य का उचित नियोजन, समन्वय पर्यवेक्षण, मूल्य निरूपण व मूल्यांकन, उपर्युक्त सभी। तो 30वें का आपका आंसर जो है वो उपर्युक्त सभी आपका हो जाएगा, द आपका सही है, मतलब विद्यालय प्रबंधन का कार्य जो है विद्यालय के संपूर्ण कार्य का उचित नियोजन भी है, समन्वय पर्यवेक्षण भी है और मूल्य निरूपण व मूल्यांकन भी है, तो आंसर आपका जो है दा वो सही है। 31वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रबंध समिति का नियंत्रण होने के लाभ हैं विद्यालय वातावरण सुरक्षित व नियंत्रित रहना, विद्यालय की कार्य क्षमता में वृद्धि, योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति या उपर्युक्त सभी? तो 31वां का जो है ये भी इसका उपर्युक्त जो है सभी हो जाएगा, तो इसका भी आंसर जो है वो दा सही है। 32वां क्वेश्चन है आपका कि प्रबंध समिति में कम से कम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 25 सदस्य होने चाहिए, 20 सदस्य होने चाहिए या 12 सदस्य या 10 सदस्य? तो 32 का जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन जो है बा सही हो जाएगा, इसका
कितने सदस्य होने चाहिए? 12। इसके बाद में अगला बी कह रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य हैं, बताइए। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि शिक्षा प्रशासन का आधार शैक्षिक उद्देश्य है, इसका आंसर आपका क्या है? सत्य है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, शिक्षक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक है, ये भी आपका सत्य है। थर्ड कह रहा है आपका बालक समाज के लिए है, समाज बालक के लिए है, ठीक है, ये भी आपका आंसर जो है सत्य है। इसमें सारे दिए हुए हैं सत्य असत्य। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आज का शिक्षक ही शिक्षा का केंद्र है, मतलब आज का जो शिक्षक है वही क्या है? शिक्षा का केंद्र है, तो ये आपका ऑप्शन जो है सत्य है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है पारस्परिक सहयोग व सद्भावना का विकास करना ही शिक्षा प्रशासन का प्रमुख उत्तरदायित्व है, आपका सही है। छठा कह रहा है आपका, इसमें सारे सही हैं, अच्छा प्रशासन अनुभव व ज्ञान पर आधारित होता है, करेक्ट, सही है आपका। सातवां क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय का प्रधानाचार्य उसका आधार स्तंभ है, सही है, सत्य। आठवां, अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड और पुरस्कार दोनों आवश्यक होते हैं, सत्य है। नौ, नवा कह रहा है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, बिल्कुल असत्य है। दसवां क्वेश्चन है आपका कि शैक्षिक प्रशासन एवं लोकतंत्रीय व बाल केंद्रित प्रक्रिया है, शैक्षिक प्रशासन जो है वो एक लोकतंत्रीय व बाल केंद्रित प्रक्रिया है, तो ये आपका आंसर जो है सत्य है। ग्यारह में कह रहा है पीसी रैंग का कथन है कि एक घड़ी में जो स्थान स्प्रिंग का है और मशीन में एक स्थान चक्र का है, सॉरी प्रचक्र का है, या जो स्थान पानी के जहाज में इंजन का है वही स्थान विद्यालय में प्रधानाध्यापक का है, तो ये आंसर आपका जो है सही है। प्रधानाध्यापक शिक्षक व प्रबंधन के मध्य की कड़ी है, बिल्कुल सही है। तेरहवां क्वेश्चन कह रहा है गैंड एवं शर्मा का कथन है प्रधानाध्यापक संपूर्ण समूह का नेता होता है, सत्य है आपका। चौदहवां कह रहा है आपका अध्यापक कक्षा में छात्रों का मार्गदर्शक होता है, सही है, बिल्कुल सत्य आपका। 15वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सरकार द्वारा अशासकीय विद्यालयों का दो प्रकार से आवर्तक व अनावर्तक अनुदान दिया जाता है, आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन आंसर हैं, सरल प्रत्यास्मरण प्रश्न, उनको देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है आपका शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया के दो मतलब सोपान बताइए, तो कौन कौन से आपके? नियोजन व मूल्यांकन। सेकंड क्वेश्चन है दूसरा हमारा विद्यालय में प्रबंधन व शिक्षक के मध्य की कड़ी किसे कहा जाता है, मतलब विद्यालय में प्रबंधन व शिक्षक के मध्य की जो कड़ी है किसे कहा जाता है? इसका आंसर है विद्यालय में प्रधानाचार्य जो है प्रबंधन व शिक्षक के मध्य की कड़ी है। तीसरा क्वेश्चन है आपका अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्माणक है, ये कथन किस शिक्षाविद का है, किसका है? हुमायूं कबीर का। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि प्रबंध समिति का मुखिया कौन होता है, तो प्रबंध मतलब जो मैनेजर प्रेसिडेंट प्रबंध समिति का प्रमुख होता है, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है प्रबंध समिति में कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए, तो 12 होने चाहिए, अभी हमने पढ़ा इसे। छठा क्वेश्चन है हमारा कि किस आयोग ने अध्यापकों की सेवा दशा सुधारने के लिए सर्वप्रथम सुझाव दिए, तो माध्यम शिक्षा आयोग ने 1952 ने क्या करा कि अध्यापकों की सेवा दशा सुधारने के लिए सर्वप्रथम सुझाव दिए। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख सिद्धांत बताइए, तो सहभागिता के आधार पर संचालन करना, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है हमारा कि शैक्षिक प्रशासन के दो प्रमुख कार्य बताइए, तो विद्यालय की व्यवस्था करना बस शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण कर रूपरेखा तैयार करना। इसके बाद यूनिट हमारी सेकंड स्टार्ट होती है यहाँ से, तो सेकंड यूनिट में क्या करना है भाई, हमें दिया हुआ है कि चार विकल्प दिए हैं, एक में से आपको एक करेक्ट केवल छांटना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया 1986 में या 1964 में,
1975 में या 1976 में। तो फर्स्ट का जो है आपका आंसर द आपका करेक्ट हो जाएगा, 1976 में, ठीक है, शिक्षा को संवर्ध सूची में शामिल किया गया। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हमारा दूसरा, यूजीसी संक्षिप्त शब्द का पूरा नाम है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो है सा सही हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी का जो है पूरा मतलब नाम इसका है, इसे कह रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, ठीक है, की स्थापना की गई, मतलब इसकी स्थापना कब हुई। तो इसका जो है आपका आंसर बा सही हो जाएगा, 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि किस सन में संसद के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक संस्था घोषित किया गया। तो चौथे का आपका आंसर जो है वो आंसर आपका सा सही हो जाएगा, 1956 में, ठीक है, में 1956 में। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है। तो इसमें फर्स्ट आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है शैक्षिक ग्रामीण प्रशिक्षण के परिषद, मतलब न्यू काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रूरल ट्रेनिंग। सेकंड आपको कह रहा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आपका कह रहा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। और द आपका कह रहा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। तो इसका आंसर जो है आपका आंसर वा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का पूरा नाम इसमें दिया भी है। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी है, क्या दिया हुआ है, स्वायत्तता प्राप्त संगठन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय या वैधानिक संस्था या स्वतंत्र निकाय। तो इसका आपका आंसर जो है आ करेक्ट है, तो स्वायत्तता प्राप्त संगठन। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का कार्य है शिक्षा को वित्तीय सहायता देना, उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करना, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण सेवाओं की उन्नति या उपर्युक्त सभी। तो सातवें का जो आपका आंसर है वो आंसर आपका सा सही हो जाएगा, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण सेवाओं की प्रोन्नति, ठीक है ना, सेवाओं की सॉरी उन्नति। आठवां क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। नवा क्वेश्चन है आपका एनसीटीई का प्रधान कार्यालय कहाँ है, एनसीटीई का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो इसका जो प्रधान कार्यालय है वो भी कहाँ पे है, हमारा नई दिल्ली में है, ठीक है। दसवां क्वेश्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है या राज्य विश्वविद्यालय है, ठीक है, या स्वायत्त विश्वविद्यालय है या स्वायत्त पोषित विश्वविद्यालय है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इसका ऑप्शन जो है आ सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी शिक्षा एनसीईआरटी के क्षेत्र में नहीं आती, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या आ एवं बा। तो 11वें क्वेश्चन का आपका आंसर जो है प्राथमिक शिक्षा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ जो है आपका सही है, मतलब प्राथमिक शिक्षा जो है एनसीईआरटी के क्षेत्र में नहीं आती। 12वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, रोहिलखंड विश्वविद्यालय या हैदराबाद विश्वविद्यालय। तो 12वें का आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो हैदराबाद विश्वविद्यालय आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 13वां क्वेश्चन अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई का पुनर्गठन किया गया, ठीक है, तो 1955 में या 1958 में किया गया या 1985 में, 1952 में। तो 13वें का आपका आंसर जो है 1958 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1958 में सीबीएसई का पुनर्गठन किया गया। 14वां क्वेश्चन है आपका राज्य स्तर पर शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी होता है मुख्यमंत्री, शिक्षा निदेशक, शिक्षा मंत्री या शिक्षा सचिव।
तो 14वें का आपका आंसर जो है वो शिक्षा मंत्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बा आपका सही है। 15वां क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा के केंद्रीय परामर्श बोर्ड मतलब कैब की स्थापना हुई, तो 15वें क्वेश्चन का आपका आंसर जो है 1921 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब आपका आंसर जो है पहला सही है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री या सरोजनी नायडू। तो 16वें का आपका ऑप्शन जो है जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर सही है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक हैं लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड कर्जन, ठीक है, चार्ल्स ग्रांट या लॉर्ड स्टेनली। तो 17वें का आपका जो है चार्ल्स ग्रांट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब वह आपका सही है। अठारहवां क्वेश्चन कह रहा है एनसीटीई का पूर्ण नाम बताइए, तो इसका पूरा नाम जो है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है। 19वां इग्नू IGNOU का पूर्ण नाम बताइए, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कब स्थापित किए गए, तो 1875 में या 1882 में, 1857 में या 1854 में। तो 20वें का आपका आंसर जो है 1857 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका बा आंसर जो है वो सही है। इक्कीसवां क्वेश्चन है हमारा किस आयोग ने भारत में विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था, मुदालियर आयोग ने, वुड डिस्पैच या सैडलर आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आपका आंसर जो है वुड डिस्पैच आपका सही आंसर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो है सा सही है। 22वां क्वेश्चन तकनीकी व व्यवसाय कौशलों के विकास का विद्यालय में उपयुक्त स्थल है पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संग्रहालय, वर्कशॉप या कार्यशाला। तो 22वें क्वेश्चन का आपका आंसर जो है वर्कशॉप व कार्यशाला आपका सही आंसर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो है द सही है। 23वां क्वेश्चन है आपका कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है इसकी स्थापना जो किसकी सिफारिश पर की गई, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर या शिक्षा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। तो 23 का आपका आंसर जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो फर्स्ट सॉरी जो आपका थर्ड दिया फोर्थ दिया हुआ है द वो आपका आंसर सही हो जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। 24वां क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज RCE कितने हैं, ठीक है, चार हैं, छः हैं, पाँच हैं या सात हैं। तो 24वें का आपका आंसर जो है फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, चार जो हैं वो क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज हैं भारत में। 25वां क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल का प्रमुख कार्य है देश में खेलकूद की प्रगति के लिए सरकार को सलाह देना या देश की शिक्षा संबंधी समस्याओं पर गहन विचार करके शिक्षा मंत्रालय को परामर्श देना। इसके बाद कह रहा है देश के रक्षा संबंधी मामलों में केंद्रीय सरकार को सलाह देना या देश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु सरकार को सलाह देना। तो 25वें का आपका आंसर जो है वो आपका बा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, देश की शिक्षा संबंधी समस्याओं पर गहन विचार करके शिक्षा मंत्रालय को परामर्श देना। 26वां क्वेश्चन है आपका कि कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय है या रोहिलखंड विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। तो 26वें का आपका आंसर जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आपका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 27वां आपका क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति कौन करता है, मतलब उच्च शिक्षा के जो शिक्षक होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो शिक्षा निदेशक करते हैं, या केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड करता है, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है, या उच्च शिक्षा आयोग करता है। तो 27वें का आपका आंसर जो है वो द आपका सही हो जाएगा, उच्च शिक्षा आयोग। 28वां क्वेश्चन है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई, 1985 में हुई या 1990 में, 1966 में या 1988 में। तो 28वीं का आपका आंसर जो है 1985 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर जो है ए सॉरी आ
सही है। 29वां क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड मतलब कैब कब विघटित तो हुआ, 1921 में हुआ, 1923 में, या 1935 में, 1929 में। तो 29 में का आपका आंसर जो है 1923 आपका करेक्ट है, तो वह आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। 30वां क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब किस समिति की सिफारिश पर पुनः निर्मित की गई, आचार्य राममूर्ति समिति, या हरटांग समिति, या ताराचंद समिति, या गजेंद्र गडकर समिति। तो 30वें का आपका आंसर जो है वो हरटांग समिति आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद में कह रहा है कि इसमें सत्य और असत्य हमें छांटने हैं, ठीक है। ये सारे दे ही रखे हैं इसमें। UGC का पूरा नाम विश्वविद्यालय आयोग है, ठीक है। ये आपका असत्य है। सेकंड आपका कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1923 में विघटित हुआ, बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा है। तीसरा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल सत्य है। चौथा कह रहा है हमारा MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिल्कुल असत्य है ये, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की स्थापना 1963 से 1964 में हुई, सही है आपका, सत्य। सिक्स कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बिल्कुल सत्य है हमारा। सातवां क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई, ठीक है ना, सत्य है। आठवां क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की स्थापना 1952 में हुई, सत्य है हमारा। नवा क्वेश्चन है हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक संस्था के रूप में 1956 में मान्यता मिली, सत्य है। दसवां क्वेश्चन है, इग्नू का पूरा नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय है, ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद में ग्यारहवां क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, असत्य है, ठीक है ना। इग्नू का मुख्यालय कोलकाता में है, असत्य है आपका। 13वां क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज RCE 4 हैं, बिल्कुल सत्य है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। 14वां क्वेश्चन, उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति उच्च शिक्षा आयोग करता है, ठीक है, बिल्कुल सत्य है। 15वां क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब का पुनर्गठन हरटांग समिति की सिफारिश पर किया गया, बिल्कुल सत्य है। 16वां कह रहा है, केंद्र द्वारा संचालित विद्यालयों की पुस्तकों की व्यवस्था NCERT करती है, बिल्कुल सत्य है आपका। 17वां क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का कार्य क्षेत्र उच्च शिक्षा है, बिल्कुल आपका ये भी सही है। इसके बाद में अति लघु उत्तरी प्रश्न पर हम आ गए, इनको जरा देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है 1953 में हुई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, तो उच्च शिक्षा के लिए अनुदान देना जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य है। प्रश्न तीसरा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई व किसने की, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सितंबर 1982 में, ठीक है, उस समय के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी ने की। 14वां प्रश्न है, NCERT के क्षेत्रीय महाविद्यालय कहाँ कहाँ है, तो NCERT के क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं वो अजमेर में हैं, भोपाल में हैं, भुवनेश्वर में हैं, मैसूर में हैं, और शिलांग में हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का पुनर्गठन कब किया गया, तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का जो पुनर्गठन है वो 1935 में किया गया है। छठा क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU किस प्रकार का मतलब श्रेणी का महाविद्यालय है, तो AMU केंद्रीय विश्वविद्यालय है। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि नगर पालिका किस प्रकार का प्रशासन है, तो नगर पालिका जो स्थानीय स्तर का प्रशासन है। आठवां क्वेश्चन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, क्या कार्य क्षेत्र बताएं,
इसका प्राविधिक या तकनीकी शिक्षा। यूनिट दो यूनिट हमारी समाप्त हो गई, तीस थर्ड यूनिट जो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें चार विकल्प दिए हैं, इनमें से एक आपको केवल छांटना है। सही है, फर्स्ट कह रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब किया गया? सितंबर 1968 में किया गया, या सितंबर 1964 में किया गया, या सितंबर 1985 में, या सितंबर 1957 में किया गया? ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब किया गया? तो फर्स्ट का इसका आंसर जो है 1985 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सितंबर 1985 मतलब ब आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कितने विभाग हैं? चार हैं, सात, पांच या तीन? तो दूसरे का आपका आंसर जो है पांच आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सा वाला आपका सही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो विभाग हैं वो कितने हैं? पांच हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रदेश या राज्य में शिक्षा का यथार्थ संचालन कौन करता है? शिक्षा मंत्री करता है, या शिक्षा निदेशक करता है, शिक्षा सचिव करता है, या प्रबंध समिति करती है? ठीक है, तो तीसरे का आपका आंसर जो है वो शिक्षा मंत्री आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, प्रदेश में जो शिक्षा का यथार्थ संचालन जो है वो शिक्षा मंत्री करता है। चौथा तो क्वेश्चन आपका कह रहा है शिक्षा किस सूची का अब विषय है? शिक्षा जो है वो किस सूची का, संघ सूची का विषय है, परिवर्ती सूची का विषय है, राज्य सूची का है, या समवर्ती सूची का है? तो चौथे का जो आपका आंसर है वो आंसर आपका दा सही हो जाएगा। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद को संक्षेप में क्या कहते हैं? NCERT कहते हैं, कैप कहते हैं, UGC कहते हैं, या NPE कहते हैं? तो पांचवें का आपका आंसर जो है NCERT आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद। छठा क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र में शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन है? वित्त मंत्रालय के अधीन है शिक्षा, मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन है, या शहरी विकास मंत्रालय के, या किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो छठे सिक्स का आपका आंसर जो है मानव संसाधन मंत्रालय आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो है स वाला सही है। सातवां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? ठीक है, लखनऊ में है, कानपुर में, इलाहाबाद में, या वाराणसी में? तो सातवें का आपका आंसर जो है इलाहाबाद आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख दो प्रयागराज। ठीक है ना, आठवां क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार के शिक्षा संबंधी कार्य हैं वित्तीय, परिनिरीक्षण व निरीक्षण, शिक्षकों की नियुक्ति व पाठ्यक्रम निर्धारण, उपर्युक्त सभी? तो आठवें का आपका जो आंसर है वो आंसर आपका सभी हो जाएगा। मतलब इसमें राज्य सरकार की जो शिक्षा संबंधी कार्य है उसमें वित्तीय भी है, परिनिरीक्षण व निरीक्षण भी है, शिक्षकों की नियुक्ति व पाठ्यक्रम निर्धारण भी है। नवा क्वेश्चन है, इसमें कथन दिए हुए हैं ये कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए जिसका चेयरमैन राज्य का शिक्षा मंत्री हो। विश्वविद्यालय आयोग का, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या शिक्षा आयोग, या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति? तो इसका ऑप्शन जो है आपका आंसर जो नौ का बा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा आयोग। दसवां क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी, या 1942 में, 1956 में, या 1945 में? तो दसवें का आपका आंसर जो है 1945 आपका सही हो जाएगा, मतलब द आपका सही है। ग्यारहवां क्वेश्चन, माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय बनाने का सुझाव किस आयोग ने दिया? कोठारी आयोग ने दिया, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने दिया, या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया, या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया? तो ग्यारहवें का आपका आंसर जो है वो ब आपका करेक्ट हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने
दिया। 12वां क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रारंभ की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, ठीक है, या माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो 12वीं का आपका जो है वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की है, वो आपका आंसर सही है। तो आपका आंसर जो है सा वाला सही है। 13वां क्वेश्चन है हमारा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? 1964 में, या 1986 में, 1992 में, या 1987 में। तो 13वें का आपका आंसर जो है 1987 आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका द सही है। 14वां क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, विश्वविद्यालय शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, या प्राविधिक शिक्षा से। तो 14वें का आपका आंसर जो है प्राथमिक शिक्षा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका आ वाला जो है वो सही है। 15वां क्वेश्चन करा, राज्यों में विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, राज्य का शिक्षा मंत्री। तो 15वें का आपका जो है वो राज्य का राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बा आपका इसमें सही है। 16वां क्वेश्चन है हमारा कि माध्यमिक शिक्षा के वित्तीय स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक, कौन से हैं? फीस, वृत्ति दान, सरकारी अनुदान, या ये सभी। तो 16वें का आपका आंसर जो है ये सभी हो जाएगा। मतलब माध्यमिक शिक्षा के वित्तीय स्रोत जो हैं वो फीस भी है, वृत्ति दान भी है, और सरकारी अनुदान भी है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है, जिला स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिला विद्यालय निरीक्षक होता है, ग्राम सभा प्रमुख, या क्षेत्रीय संचालक, या शिक्षा संचालक। तो 17वें का आपका आंसर जो है वो जिला विद्यालय निरीक्षक आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन जो है आ वाला सही है। 18वां क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक व विश्वविद्यालय की शिक्षा की केंद्रीय घड़ी सॉरी कड़ी है, प्राथमिक व विश्वविद्यालय शिक्षा की केंद्रीय कड़ी है, प्राविधिक शिक्षा है, कृषि शिक्षा, उच्च शिक्षा, या माध्यमिक शिक्षा। तो 18वें का आपका माध्यमिक शिक्षा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका दा सही है इसमें। 19वां क्वेश्चन है हमारा, राज्य में शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष होता है, शिक्षा मंत्री होता है, शिक्षा सचिव होता है, शिक्षा निदेशक होता है, या शिक्षा अधिकारी होता है। तो 19 का आपका आंसर शिक्षा सचिव आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका सा सही है। 20वां क्वेश्चन, संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का क्या अभिप्राय है? 1 वर्ष से 60 वर्ष तक के सभी बालकों की शिक्षा, यहाँ पे ये गलत लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे 8 होना चाहिए। चलिए, 1 वर्ष से 60 वर्ष तक के सभी बालकों की शिक्षा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका कह रहा है, क्योंकि हमें इनमें से केवल एक ही छांटना है ना जो सही हो। दूसरा कह रहा है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बालकों की शिक्षा, यस। थर्ड जो है, 4 वर्ष से 9 वर्ष तक के सभी बच्चों बालकों की शिक्षा, या दा करा कुल 7 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा। तो 20वें का जो है वो हमारा बा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बालकों की शिक्षा। 21वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्राथमिक शिक्षा का जनक था, चार्ल्स ग्रांट था, या प्रिसेप था, जेम्स थॉमसन था, चार्ल्स मैकाले था। तो 21 का जो है वो हमारा चार्ल्स ग्रांट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है आ वाला सही है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का उद्देश्य है अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना, या प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, उपर्युक्त दोनों की प्राप्ति, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 22 का जो है आपका उपर्युक्त दोनों की प्राप्ति आपका सही हो जाएगा।
मतलब अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सात जो है वो सही है। 23वां क्वेश्चन है हमारा कि मुदालियर आयोग संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, या पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, या उच्च शिक्षा से। तो 23 का आपका जो ऑप्शन है वो माध्यमिक शिक्षा आपका सही है, तो आपका बा आंसर जो है बिल्कुल इसमें सही है ऑप्शन। 24वां क्वेश्चन कह रहा है माध्यमिक शिक्षा एक ऐसी कड़ी है जो प्राथमिक व उच्च शिक्षा को दृढ़ता के साथ एक कड़ी से बांधती है। ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, एस एन मुखर्जी का, या के जी सैदेन का। तो 24वें का आपका आंसर बा आपका सही हो जाएगा, एस एन मुखर्जी, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है हमारा कि हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है, ये कथन किसका है 25वें क्वेश्चन का। तो 25वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो राधा कृष्णन आयोग है, तो राधा कृष्णन आयोग जो है हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें क्वेश्चन जो है हमारा कि निम्न में से कौन भारत में शिक्षा प्रशासन से संबंधित नहीं है। तो 26 का जो आंसर है वो हमारा व्यापारिक घराने हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, व्यापारिक घराने। तो बा इसमें हमारा ऑप्शन सही है। सत्ताईसवां क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में सार्वजनिक शिक्षा विभाग की प्रथम बार स्थापना हो की गई, ठीक है। हमारे देश में सार्वजनिक शिक्षा विभाग की प्रथम बार स्थापना की गई, तो 27 का हमारा इसमें द हमारा सही हो जाएगा, मुदालियर आयोग द्वारा। इसके बाद में 28वां क्वेश्चन है हमारा, राज्य का शिक्षा विभाग व उसके अधिकारी किस स्तर पर कार्य करते हैं। तो 28वें का हमारा उपर्युक्त सभी है, ठीक है ना, शिक्षा निदेशालय स्तर पर, जिला स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर, ठीक है। तो आंसर हमारा जो है दावो सही है। इसके बाद में इसमें सत्य और असत्य हमें कथन छांटने हैं। तो फर्स्ट हमारा कह रहा है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय नहीं है, असत्य है हमारा। सेकेंड कह रहा है दूसरा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का 1957 में सृजन हुआ, असत्य है, ठीक है। थर्ड कह रहा है उत्तर प्रदेश में शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में है, बिल्कुल सत्य है। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी शिक्षा मंत्री होता है, बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड करता है, असत्य है। छठा क्वेश्चन, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी, बिल्कुल सही है। सातवां क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक है, सत्य है, सॉरी। आठवां क्वेश्चन, राज्यों के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राज्य का राज्यपाल होता है, बिल्कुल सत्य है। नवा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का शिक्षा सचिवालय लखनऊ में है, बिल्कुल सत्य है। दसवां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नहीं है, असत्य है। ग्यारहवां क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को बहुउद्देशीय बनाने का सुझाव दिया, सत्य है आपका। 12वां क्वेश्चन कह रहा है निरीक्षण व परिनिरीक्षण में कोई अंतर नहीं है, असत्य है, क्योंकि अंतर इसमें है। 13वां क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में शिक्षा का मुख्य अधिकारी शिक्षा मंत्री होता है, बिल्कुल सही है। राज्य में शिक्षा का मुख्य अधिकारी जो है वो शिक्षा मंत्री होता है। अति लघु उत्तरी प्रश्न है, इनको जरा देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा कि शिक्षा परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई। तो शिक्षा परिषद की जो स्थापना है वो तो कोठारी या शिक्षा आयोग 1964 की सिफारिश पर की गई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय विद्यालय केवीएस संगठन कब स्थापित हुआ। तो
1963 से 1964 में स्थापित हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, किस शिक्षा नीति ने सिफारिश की कि राज्य सरकारें राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना करें? तो 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा की जो सिफारिश पर किया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा के किस स्तर पर विभिन्न विषयों की शिक्षा विशिष्ट रूप में दी गई? तो माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर। ठीक है, ये हमारा जो है वो सही है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्रालय कहाँ है? लखनऊ में है। छठा क्वेश्चन है, 10+2+3 शिक्षा ढांचा कब लागू हुआ? ये 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा लागू हुआ। सातवां प्रश्न कह रहा है, केंद्र में शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब MHRD के अधीन है। क्या केंद्र में शिक्षा? ठीक है। आठवां क्वेश्चन है हमारा कि नवोदय विद्यालय 1986 में किस स्थान या स्तर पर स्थापित किए गए? तो जनपदीय स्तर पर ग्रामीण अंचल में। ठीक है ना। यूनिट फोर्थ हमारी शुरू हो रही है, तो इसमें से चार ऑप्शन वही दिए हुए हैं, तो चार में से हमें केवल एक फाइंड करना है। तो फर्स्ट आपको कह रहा है, देश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? इलाहाबाद, आगरा, बनारस या मुंबई? तो फर्स्ट का आपका आंसर जो है मुंबई आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन द आपका सही है। सेकेंड कह रहा है, सर्वप्रथम भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया? लॉर्ड मैकाले ने, वुड ने, सैडलर ने या वुबेकर ने? ठीक है, तो सेकंड का हमारा बुड जो है हमारा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा बा जो है वो बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, वित्त विहीन संस्थानों या कॉलेजों का प्रबंधन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रबंधन तंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो तीसरे का जो है वो हमारा सा सही हो जाएगा, प्रबंधन तंत्र जो है वो वित्त विहीन संस्थानों या कॉलेज का प्रबंध करता है। चौथा क्वेश्चन है, वित्त विहीन संस्थानों की अधिवक्ता हुई सॉरी अधिकता हुई 2005 से, 2000 से, 1986 से या 1992 से? तो फोर्थ का हमारा 2005 से आ हमारा जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि निजीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शिक्षा में किसके द्वारा किया गया? तो निजीकरण शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले बुड के द्वारा किया गया या मैकाले के द्वारा, पीटर एफ ट्रैकर या ये सभी? तो पांचवी का जो आपका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आपका सही है, पीटर एफ ट्रैकर। ठीक है, छठा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में शिक्षा में निजीकरण के परिणाम हैं उदारीकरण, प्रौद्योगिकरण, भूमंडलीकरण या ये सभी? तो छठे का हमारा ऑप्शन ये सभी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें उदारीकरण और प्रौद्योगिकरण, भूमंडलीकरण, इसमें ये आपके तीनों सही हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है हमारा, स्वायत्त प्रोत्साहित संस्थाएं या महाविद्यालयों का प्रमुख दोष है? शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा का भूमंडलीकरण, शिक्षा का निजीकरण या शिक्षा का उदारीकरण? तो सातवें का आपका शिक्षा का व्यवसायीकरण हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा आ जो है वो सही है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालय के वित्त संबंधी नियमों का निर्धारण करता है? राज्य सरकार, प्राचार्य, प्रबंधक या जनता? तो आठवें का आपका राज्य सरकार आपका सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन आ जो है वो बिल्कुल हमारा सही है। नवा क्वेश्चन कह रहा है, कौन से विद्यालय स्वयं को प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त मुक्त रखते हैं? राजकीय विद्यालय, ठीक है, अनुदलित विद्यालय या स्वायत्त विद्यालय या अल्पसंख्यक? तो नवी का हमारा अल्पसंख्यक हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो द ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सही है। दसवां कह रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है स्वायत्त पोषित विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय या दूरस्थ विश्वविद्यालय? तो दसवें का हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सही है। ग्यारहवां क्वेश्चन कह रहा है, शैक्षिक प्रशासन संबंधित है निरीक्षण व पर्यवेक्षण से, विद्यालय प्रबंधन से सॉरी प्रबंध से, सामाजिक अध्ययन से या मूल्यांकन से?
ग्यारहवें का ऑप्शन आंसर जो है वो सा सही हो जाएगा, विद्यालय प्रबंध से। ठीक है, इसके बाद में आपको इस सत्य और असत्य इसमें से छांटने हैं जो आपको सब आंसर इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट कह रहा है, वित्त विहीन संस्थाओं का प्रबंध व कार्य प्रबंध तंत्र करता है, बिल्कुल आपका सत्य है। सेकंड आपको कह रहा है, वित्त विहीन संस्थाओं की अधिकता और 2005 से नहीं हुई, असत्य मतलब हुई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में शिक्षा का निजीकरण भूमंडलीकरण व उदारीकरण का परिणाम है, सत्य है आपका। चौथा क्वेश्चन है, स्वायत्त पोषित संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का व्यवसायीकरण है, बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्रीय विद्यालय नहीं है, असत्य है। सिक्स कह रहा है, निजीकरण शब्द का सर्वप्रथम शिक्षा में प्रयोग पीटर एफ ट्रेकर ने किया, बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा हमने ये। सातवां कह रहा है, मान्यता व अनुदान के आधार पर विद्यालयों को 3 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। आठवां क्वेश्चन है हमारा, स्वयं अपनी संस्था के लिए वित्त की व्यवस्था करने वाली संस्थाएं स्वायत्त शासी संस्थाएं कहलाती हैं, बिल्कुल सही है आपका। इसके बाद अति लघु उत्तर प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निजी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा संचालित विद्यालय कौन से हैं, तो स्ववित्त पोषित विद्यालय हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये 1 अप्रैल 2010 को जो है लागू हुआ। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किसका उत्तरदायी माना है, तो केंद्र व राज्य सरकार को। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालय कौन से हैं, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी AMU जो है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालय है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन प्रमुख विभागों का नाम बताइए, जिसमें शिक्षा विभाग व महिला व बाल विभाग इसमें जो हैं। छठा कह रहा है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सचिवालय कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा सचिवालय जो है वो लखनऊ में है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, सरकारी सहायता व सहायता प्राप्त विद्यालयों में आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सरकार द्वारा दिया गया अनुदान। आठवां क्वेश्चन है हमारा कि 1976 से शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है, तो 1976 से शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद यूनिट 5वीं जो है हमारी, ठीक है, इसमें वही 4 विकल्प दिए हैं, एक हमें फाइंड करना है केवल। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय शैक्षिक प्रशासन व संगठन का आधार है, ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन है आप स्वतंत्रता दिया हुआ है, समानता, भ्रातृत्व या ये सभी, तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ये सभी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब भारतीय शैक्षिक प्रशासन व संगठन का आधार क्या है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि तीव्र व असंतुलित शिक्षा के प्रसार की समस्या के कारण है, ठीक है ना, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा, विभिन्न राज्यों में शिक्षा का प्रसार असंतुलित हुआ है। सेकंड कह रहा है, बालक बालिकाओं में पर्याप्त विषमता पाई जाती है, या शिक्षित बेरोजगारी व शिक्षा के गुणात्मक विकास का अभाव है, और द आपका उपर्युक्त सभी, तो दूसरे का जो है आपका उपर्युक्त सभी इसमें हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, शिक्षा में गुणात्मक विकास के लिए सुझाव दिए, शिक्षा में गुणात्मक विकास के लिए सुझाव दिए, तो इसमें कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति या माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो तीसरे का इसमें कोठारी आयोग हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो आ जो है बिल्कुल हमारा आंसर सही है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा में सार्वजनिक स्कूल प्रभाव की समस्या का निदान किया जा सकता है, शिक्षा नियोजन द्वारा, समान विद्यालय प्रणाली द्वारा,
स्कूल सुविधाओं का विस्तार न करके या उपर्युक्त सभी। तो चौथे का जो आंसर है वो आपका सामान्य विद्यालय प्रणाली द्वारा है, तो वह हमारा आंसर जो है बिल्कुल इसमें सही है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है शिक्षकों पर, होता है प्रधानाचार्य पर, वित्त अधिकारी पर या प्रबंधक पर। तो पांचवें का जो आंसर है वो हमारा प्रधानाचार्य पर है, ठीक है, तो सा हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में हमारे सत्य असत्य हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कह रहा है शिक्षा प्रशासन की महत्वपूर्ण समस्या सत्ता व नियंत्रण की है, बिल्कुल हमारा सही है। दूसरा कह रहा है बढ़ती हुई छात्र संख्या स्कूल प्रशासन संबंधी समस्या नहीं है, सत्य है हमारा। तीसरा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुल 12 खंड हैं, बिल्कुल सत्य है। प्रशासक के दो प्रमुख प्रशासनिक कर्तव्य उद्देश्य निर्धारण पर नियोजन है, बिल्कुल हमारा सत्य है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में सार्वजनिक स्कूल प्रभाव की समस्या का निदान सामान्य विद्यालय प्रणाली द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, ये बिल्कुल हमारा असत्य है। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न जो है हमारे, फर्स्ट प्रश्न पहला कह रहा है हमारा शैक्षिक समस्याओं के समाधान का क्या आधार है, शिक्षा कोड इसका आधार है। दूसरा कह रहा है विद्यालय संगठन का क्या सिद्धांत है, तो बाल केंद्रित संगठन है। तीसरा कह रहा है किस समिति की संतुति के बाद शैक्षिक प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया गया, ठीक विकेंद्रीकरण किया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा विद्यालय में पर्यवेक्षण की प्रमुख भूमिका किसकी रहती है, तो प्रधानाचार्य की रहती है। पांचवा क्वेश्चन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की प्रमुख समस्या क्या है, तो प्रभुत्ववादी वातावरण। ठीक है, इसके बाद हमारी इकाई जो इसमें फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इसमें चार विकल्प आपको दिए हुए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति हुई अंग्रेजी भाषा से, लैटिन भाषा से, ठीक है, या अमेरिका भाषा से या एशियन भाषा से। इसका ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा, लैटिन भाषा से एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है हमारा शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित हैं, ये कथन किसका है, कैंपबेल व अन्य का है, ग्रहा बेल फोर का है, ठीक है, जेबी से सियर्स का है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो दूसरे का आपका आंसर जो है कैंपबेल व अन्न हो जाएगा, तो फर्स्ट इसमें हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा प्रशासन आवश्यक है, शिक्षा प्रशासन आवश्यक है उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए, शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए, छात्रों को नैतिक शिक्षा देने के लिए, या स्वास्थ्य कार्यक्रम के नियोजन के लिए। तो तीसरे का इसमें हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन आ हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत
जनतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन के विरुद्ध है, दायित्व बांटने का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, या व्यक्तिगत योग्यता को नकारने का सिद्धांत। तो फोर्थ का जो है हमारा द हमारा सही हो जाएगा, व्यक्तिगत योग्यता को नकारने का सिद्धांत। मतलब ये पांचवा कह रहा है, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय ध्यान में रखना चाहिए छात्रों की आवश्यकताओं को, शिक्षकों की सुविधाओं को, शिक्षण समस्याओं की आवश्यकताओं को, या उपर्युक्त सभी। तो पांचवा का जो ऑप्शन है हमारा उपर्युक्त सभी जो है इसमें सही हो जाएगा, द वाला ऑप्शन हमारा सही है। छठा क्वेश्चन है हमारा कि शैक्षिक प्रशासन संबंधित है निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण से, विद्यालय प्रबंधन से, प्रबंध से सॉरी, सामाजिक अध्ययन से, या मूल्यांकन से। तो छठे का जो है हमारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो है आ बिल्कुल सही है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी में जो स्प्रिंग, एक घड़ी में जो स्थान स्प्रिंग का है, और भाई मशीन में जो स्थान प्रचक्र का है, या जो स्थान पानी के जहाज में इंजन का है, भाई स्थान विद्यालय में प्रधान प्रधान अध्यापक का है, ये कथन किसका है। तो साथ में का ये ऑप्शन जो है पीसी रैन आपका फर्स्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सॉरी आठवां क्वेश्चन कि प्रधान अध्यापक को का कौन सा कार्य मूल्यांकन से संबंधित है। ठीक है ना, प्रधान अध्यापक का कौन सा कार्य जो है वो मूल्यांकन से संबंधित है। तो आठवें का जो है आंसर आपका अंकन के स्तर की जांच, ये आपका सा वाला जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नवा क्वेश्चन, प्रधान अध्यापक का प्रशासनिक दायित्व तो है, प्रधान अध्यापक का प्रशासनिक दायित्व तो है। तो नमे का जो है आ हमारा सही हो जाएगा, मतलब प्रबंध समिति से अच्छे संबंध स्थापित करना। दसवां क्वेश्चन है हमारा, कुशल विद्यालय प्रशासन निर्भर करता है नैतिक शिक्षा पर, प्रधानाचार्य पर, प्रबंध समिति पर, या विद्यालय कार्यालय पर। तो दसवें का जो है हमारा ऑप्शन प्रधानाचार्य पर, ये ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्यारहवें क्वेश्चन कह रहा है प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की सफलता में कौन सा तत्व बाधक बनता है, धन की पर्याप्तता, ठीक है, शिक्षकों का सहयोग, या विद्यालय प्रांगण में राजनीति का प्रवेश, या विद्यालय का सहृदयपूर्ण वातावरण। तो ग्यारहवें का जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सा सही हो जाएगा, ठीक है, विद्यालय प्रांगण में राजनीति का प्रवेश। बारहवां क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय प्रशासन निर्भर है छात्रों पर, समुदाय पर, शिक्षकों पर, या उपर्युक्त सभी पर। तो बारहवें का जो है उपर्युक्त सभी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय जो प्रशासन निर्भर छात्रों पर, समुदाय और शिक्षकों पर निर्भर करता है। तीसरा तेरहवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्यालय प्रशासन का भाग नहीं है, अध्यापक, छात्र, मध्याह्न भोजन, या भवन। तो तेरहवें का जो ऑप्शन है भवन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, द हमारा इसमें सही है। चौदहवा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका विद्यालय प्रबंधन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है, शिक्षक अभिभावक संघ, या ग्राम प्रधान, मात्र अभिभावक संघ, या विद्यालय प्रबंधन प्रबंध समिति। तो चौदहवें का जो आपका आंसर है वो विद्यालय प्रबंध समिति आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा द वाला सही है। पंद्रहवा क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय प्रबंध समिति गठित होती है, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति जो है गठित होती है, तो इसका ऑप्शन जो है सा सही हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए। 16वां क्वेश्चन हमारा है कि विद्यालय के वित्तीय प्रबंध का उत्तरदायित्व तो होता है। तो 16वें का जो आंसर है वो प्रधानाचार्य का सा हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन का जो उत्तरदायित्व तो होता है वो किसका होता है, प्रधानाचार्य का। 17वां क्वेश्चन कह रहा है प्रबंध के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना, तो प्रबंध से मुख्य रूप के जो प्रकार होते हैं वो 9 होते हैं, कितने होते हैं, 9। तो सा हमारा ऑप्शन इसमें सही है। 18वां क्वेश्चन है हमारा कि संसाधनों के सृजन में प्रमुख भूमिका होती है, संसाधनों
के जो श्रमुख सृजन है उनकी प्रमुख भूमिका जो प्रधानाचार्य की होती है, तो ऑप्शन हमारा 12 इसमें सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जैसा शिक्षक होगा वैसा ही उसका विद्यार्थी है, ये कथन है, ये कथन किसका है? तो 19वें क्वेश्चन का आपका आंसर जो है पीसी रैन हो जाएगा आपका, तो आंसर आपका जो आ जो है बिल्कुल सही है, पीसी रैन का। 20वां क्वेश्चन कह रहा है एक अच्छे शिक्षक का व्यावसायिक गुण है, एक अच्छे शिक्षक का जो व्यवसायिक गुण है वो आपका आंसर है इसमें विषय का पर्याप्त ज्ञान। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है हमारा कि एक आदर्श शिक्षक का प्रमुख गुण है उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवनी शक्ति, रुचि एवं उत्साह, नेतृत्व का गुण, विषय ज्ञान। तो 21वीं का आपका आंसर जो है वो आ हो जाएगा, उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवनी शक्ति। बाईसवां क्वेश्चन है हमारा कि कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता, किसने कहा है? ठीक है, तो 22वें का जो आपका आंसर है वो आपका आंसर नई शिक्षा नीति 1986 आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें द ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही है। 23वां क्वेश्चन है अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है, ये कथन किसका है? तो 23वें का जो आपका आंसर है वो हुमायूं कबीर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं ये वाले। 24वां क्वेश्चन है इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, ये कथन किसका है? इतिहास जो है इसका वास्तविक निर्माता कौन होता है? अध्यापक होता है, ये कथन किसका है? तो 24वें का जो आपका आंसर है वो एच जी वेल्स है। क्या है? एच जी वेल्स। एच जी वेल्स ने कहा कि इतिहास का वास्तविक निर्माता जो है वो कौन होता है? अध्यापक होता है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है अध्यापक कक्षा में, ठीक है, तो इसमें आपका अध्यापक कक्षा में जो विद्यार्थियों का मार्गदर्शक करता है, तो सह हमारा जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, ठीक है, जिसमें वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें, ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो 26वें का जो आपका आंसर है तो वो बेल फ्रॉम ग्राहम है। ठीक है, आपका आंसर इसमें आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वीं क्वेश्चन है हमारा शिक्षा के गुणात्मक सुधार के सभी तत्वों के अध्यापक के गुण, कुशलता तथा चरित्र का महत्व तो निस्संदेह सर्वोपरि है, ये मत जो है किस आयोग का है? तो 27वीं का आपका आंसर जो है वो कोठारी आयोग आपका आंसर आपका आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन कह रहा है एक अच्छे प्रबंध के बिना एक सरकार रेत के बने मकान के समान है, ये कथन किसका है? तो 28वें क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो रूजवेल्ट का हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें हमारा बा जो है बिल्कुल सही है। सेकेंड यूनिट हमारी स्टार्ट होती है इकाई। एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख कार्य है, तो एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख कार्य जो है वो देश की शिक्षा संबंधी समस्याओं पर गहन विचार करके शिक्षा मंत्रालय को परामर्श देना, तो आंसर हमारा 22 में जो है बिल्कुल सही है। 2रा क्वेश्चन कह रहा है स्कूली शिक्षा के प्रशासन के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, इसमें सर्वोच्च शिक्षा संस्था कौन सी है? सीबीएसई है। 3रा क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई, ये कब हुई? 1962 में हुई। यूजीसी का पूरा नाम क्या है, चौथे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो यूजीसी का पूरा जो नाम है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 5वां क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना यूजीसी की स्थापना जो है 1953 में हुई। 6रा क्वेश्चन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यालय स्थित है, ठीक है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य क्षेत्र है उच्च शिक्षा, ठीक है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है? उच्च शिक्षा है। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है हमारा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य है, ठीक है, इसका प्रमुख कार्य जो है वो अनुदान देना है। 9वां क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी में अध्यक्ष और सचिव के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं? सचिव के अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं। ठीक,
दसवां क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की स्थापना किसकी अनुशंसा के आधार पर की गई? तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के आधार पर की गई। ग्यारहवां क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये 1920 में की गई। ठीक है, बारहवां क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1935 में किया गया। तेरहवां क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ का गठन कब किया गया? तो 1973 में किया गया। चौदहवां क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। पंद्रहवां क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये सितंबर 1985 में हुई थी। सोलहवां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, सत्रहवां क्वेश्चन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है इलाहाबाद जो है। निम्न 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो तेजपुर विश्वविद्यालय तेजपुर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, उपर्युक्त सभी, ये सभी जो कौन से हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इसका 19वां क्वेश्चन है हमारा, कि कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ठीक है ना, लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन हमारा सा जो है बिल्कुल सही है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 20वां क्वेश्चन जो है हमारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 21वां क्वेश्चन है हमारा, कि कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। 22वां क्वेश्चन क्या रहा है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना हुई थी, तो ये दिसंबर 1961 को हुई थी। 23वां क्वेश्चन है हमारा, कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का प्रधान कार्यालय कहाँ है स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। 24वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कार्य क्षेत्र है, ठीक है, तो इसका जो है प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों है। 25वां क्वेश्चन है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन NCERT के कार्य क्षेत्र में नहीं आती है? तो उच्च शिक्षा जो है वो NCERT के कार्य क्षेत्र में नहीं आती है। 26वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद NCERT के क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं, पांच हैं ये हमारे। 27वां क्वेश्चन, NCERT के क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं, ठीक है, तो अजमेर में, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में। ऑप्शन आपका सा जो है वो सही है। 28वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों की पुस्तकों की व्यवस्था की जाती है NCERT द्वारा, ठीक है। 29वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। तीसरी यूनिट हमारी है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें राज्य में प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा सचिवालय, उपर्युक्त सभी, तो ये इसमें उपर्युक्त सभी। सेकेंड, उत्तर प्रदेश सरकार ने 10+2+3 शिक्षा संरचना कब लागू की? ये 1982 में लागू की। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा मंत्री का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो शिक्षा मंत्री का जो कार्य होता है वो राज्य में शिक्षा नीति का निर्धारण करना होता है। चौथा क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन हुआ था 26 सितंबर 1985 को हुआ था ये, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सबसे पहले क्या नाम था? तो इसका नाम था शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। छठा क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब रखा गया? ये 1985 को रखा गया। सातवां क्वेश्चन, शिक्षा मंत्री का परामर्शदाता कौन होता है? तो शिक्षा मंत्री का जो परामर्शदाता होता है वो शिक्षा सचिव होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा का उत्तरदायित्व है, तो शिक्षा का उत्तरदायित्व जो है वो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार दोनों का है, ठीक है ना।
नवा क्वेश्चन, किसी भी राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, राज्यपाल होता है। 10वां क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय के संचालन का उत्तरदायित्व तो होता है, केंद्र सरकार का होता है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, राज्य शिक्षा का अध्यक्ष होता है, राज्यपाल होता है। 12वां क्वेश्चन है हमारा कि राज्य शिक्षा का मुख्य अधिकारी होता है, ये शिक्षा मंत्री होता है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन शिक्षा विषय है, शिक्षा विषय जो है संवर्ती सूची का विषय है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का राज्यपाल राज्यीय विश्वविद्यालय का क्या कहलाता है, ये राज्य का राज्यपाल जो होता है वो राज्यीय विश्वविद्यालय का क्या होता है, कुलाधिपति होता है। 15वां क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्रालय व शिक्षा सचिवालय स्थित है, लखनऊ में है। ठीक है, फोर्थ यूनिट जो है हमारी वो शुरू है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ कौन सा विद्यालय स्वयं को प्रशासनिक विद्यालय से मुक्त रखते हैं, तो इसमें अल्पसंख्यक हमारा जो है वो सही है, ब ऑप्शन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अनुदान प्राप्त विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है, तो प्रधानाचार्य का होता है, सरकार का होता है, प्रबंध समिति का होता है, मतलब उपर्युक्त तो इसमें सही है, दा वाला इसमें सारे सही हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अल्पसंख्यक विद्यालय खोलने के लिए सरकार सहायता क्यों देती है, है सामाजिक संरक्षण हेतु और सांस्कृतिक संरक्षण हेतु, इसमें दोनों आपके ये सही हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, मान्यता व अनुदान के आधार पर विद्यालयों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो तीन आधारों पर। पांचवा क्वेश्चन, स्वयं अपनी संस्था के लिए वित्त की व्यवस्था करने वाली संस्थाएं कहलाती हैं, ठीक है, तो ये स्वायत्त शासी संस्थाएं कहलाती हैं, ऑप्शन हमारा आ वाला सही है। छठा क्वेश्चन, विद्यालय के वित्त संबंधी साधनों के नियमों का निर्धारण कौन करता है, तो ये राज्य सरकार करती है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रशासित विद्यालय होते हैं, ये केंद्रीय एवं राजकीय विद्यालय होते हैं। आठवां क्वेश्चन, किसी निजी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा संचालित विद्यालय कहलाते हैं, तो ये स्ववित्त पोषित विद्यालय कहलाते हैं। पांचवी यूनिट हमारी और ये लास्ट यूनिट है शायद। परिवीक्षण का उपयोग किया जाता है प्रशासन में, ठीक है ना, परिवीक्षण का जो उपयोग है वो प्रशासन में किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, शैक्षिक समस्याओं के समाधान का आधार है, तो शैक्षिक समस्याओं के समाधान का आधार जो है वो शिक्षा कोड है, क्या है, शिक्षा कोड। तीसरा क्वेश्चन, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की प्रमुख समस्या है, ये प्रभुत्ववादी वातावरण है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन हमारा, शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख समस्या है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सहयोग एवं समन्वय का अभाव, समग्र मूल्यांकन की समस्या, वित्तीय अनुदान एवं धन की समस्या और उपर्युक्त सभी, तो इसका ऑप्शन जो है दा वाला सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालयों के प्रशासन की समस्याएं होती हैं, ठीक है ना, केंद्रीय स्तर पर होती हैं, राजकीय स्तर पर और स्थानीय स्तर, तीनों पर होती हैं, तो ऑप्शन आपका जो है उपर्युक्त सभी स्तरों पर सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है हमारा कि शैक्षिक प्रशासन में संकट समाधान का प्रतिमान है, प्रशासन तंत्र, प्रणाली विश्लेषण, सौदाकारी तंत्र, इसमें उपर्युक्त हमारा सभी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, परीक्षण में प्रमुख भूमिका होती है, इसकी होती है प्रधानाचार्य की होती है। आठवां क्वेश्चन, परीक्षण का उद्देश्य है, परीक्षण का उद्देश्य जो है कार्य संचालन की समस्या, कार्यों के सुधार हेतु सुझाव, कार्यों के निरंतर समीक्षा करना और उपर्युक्त सभी, तो इसमें उपर्युक्त हमारा सभी। इसके बाद विविध प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है विविध प्रश्न का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा कि भारत में 6 से 14 वर्ष 14 आयु वर्ग के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये मतलब 21 का मतलब ए में है, ठीक है ना।
तीसरा क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया, ये सन 2001 से सन 2002 में प्रारंभ किया गया। चौथा क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शिक्षा को किसका उत्तरदायित्व माना गया है, तो भारतीय संविधान में शिक्षा को जो है मतलब केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का उत्तरदायित्व तो माना गया है। छठा क्वेश्चन कह रहा है, किस समिति को संस्तुति के पश्चात शैक्षिक प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया गया, ठीक है, तो बलवंत बलवंत राय मेहता समिति का, ठीक है ना। सातवां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्यक्रम संबंधी नहीं है, तो छात्र परिषद, ठीक है, ये हमारा सही है। AICTE किससे संबंधित है, ठीक है, तो किससे संबंधित है, हमारी तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। नवा क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय संगठन का सिद्धांत है बाल केंद्रित, क्या है, बाल केंद्रित, ठीक है। इसके बाद में हमारे कुछ सत्य असत्य क्वेश्चन है, तो सत्र सत्र में इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सत्य है हमारा, ठीक है। दूसरा कह रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC एक केंद्रीय संस्था है, बिल्कुल असत्य है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद जो है NCERT नई दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल सत्य है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक चौथा क्वेश्चन है, शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्णायक है, बिल्कुल आपका सत्य है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, PC रेन ने कहा कि एक घड़ी में जो स्थान स्प्रिंग का है और मशीन में जो स्थान प्रचक्र का है, ठीक है, या जो स्थान पानी में जहाज के में इंजन का है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाचार्य का प्रधानाध्यापक का है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सत्य है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, लखनऊ विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बिल्कुल असत्य है। सातवां क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता में स्थित है, बिल्कुल असत्य है। आठवां क्वेश्चन, विद्यालय का प्रधानाचार्य उसका आधार स्तंभ है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। नवा क्वेश्चन जो है हमारा, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण शिक्षा के लिए आवश्यक है, सत्य है। दसवां क्वेश्चन जो है, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल असत्य है। ग्यारहवां क्वेश्चन, अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड और पुरस्कार दोनों आवश्यक होते हैं, बिल्कुल सत्य, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड और पुरस्कार दोनों आवश्यक होते हैं। बारहवां क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति छात्रों के संपूर्ण जीवन से संबंधित होती है, बिल्कुल सत्य है हमारा, ठीक है। तेरहवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, बिल्कुल असत्य है। चौदहवां क्वेश्चन, निरीक्षण एवं एक आधुनिक प्रत्यय है, असत्य है। पंद्रवा क्वेश्चन, विषय ज्ञान अध्यापक का व्यक्तिगत गुण है, असत्य है, सॉरी। सोलहवा क्वेश्चन, मुंबई विश्वविद्यालय एक संघात्मक विश्वविद्यालय है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, और 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं कराया लाइक कर दें, ठीक है, थैंक यू।